फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि लिमिट स्विच के अंदर वायरिंग कैसे होता है। अब हम समझते हैं सबसे पहले ओपन की लिमिट स्विच। जब भी आपका जो प्लांट है, अगर 2020 से 2019 से पहले के जो भी प्लांट है उसके अंदर टोटल 4 वायर से लिमिट स्विच की वायरिंग होती थी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाली जो लिमिट स्विच है वो 2019 से पहले जितने भी प्लांट है उसके अंदर ऐसे वायरिंग होगी। और 2019 के बाद जितने भी प्लांट गए हैं उसके बाद उसमें सिर्फ 2 वायर की वायरिंग होगी। वो क्यों है वो आगे समझते हैं। सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि लिमिट स्विच में ये जो वायरिंग दी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो IP14 और +24 है जो NO में कनेक्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको इनपुट में सिग्नल मिलता है, जैसे अभी आपके प्लांट ने कमांड दिया कि भैया अभी आपका गेट ओपन हुआ, तो क्या होगा यहाँ से जो 24 वोल्ट है वो उसको यहाँ पे मिलेगा और ये PLC को कमांड देगा कि भैया अभी गेट ओपन हुआ है, और ये हमेशा कनेक्शन NO में होता है। अभी आप बोलोगे NO क्या है सर, हमको तो पता ही नहीं है। तो NO का मतलब क्या होता है, वो नॉर्मली ओपन होता है। नॉर्मली ओपन मतलब जब ये वर्किंग करेगा तो वो क्लोज हो जाएगा। नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन है जब तक वो ऑपरेट नहीं होगा तब तक वो NO है, मतलब नॉर्मली ओपन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पावर नहीं जा सकती क्योंकि ये NO है, नॉर्मली ओपन। और जब ये लिमिट स्विच आपकी ऑपरेट होगी तो ये NC हो जाएगा। NC होगा तो क्या होगा, ये पावर यहाँ से होके यहाँ पर ट्रैवल करना स्टार्ट कर यहाँ पर देगी। ट्रैक तो ये हुआ इनपुट सिग्नल का वायरिंग। लिमिट स्विच के अंदर टोटल 4 वायरिंग हो गया उसके बारे में। उसके बाद ये हुआ पावर का वायरिंग। कई बार आपके पैनल के अंदर जब आप गेट ओपन करते हो तो गेट आपका ओपन हो गया पर फिर भी आपकी ओपन की लाइट कट ऑफ नहीं हो रही है, तो हमको चेक करना पड़ेगा ये वायर। ये वायर हमेशा NC में कनेक्ट होता है जिसका नंबर होगा 052 और 053। 052 और 053 नंबर, ये पर्टिकुलर ओपन की लिमिट स्विच ही समझा रहा हूँ, अभी तक क्लोज की लिमिट स्विच आई नहीं है, तो वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो 2019 से पहले वाली पैनल है उसके अंदर तो ये होगा। अब 2019 के बाद जितने भी प्लांट गए उसमें सिर्फ 2 ही वायर लगे हुए होंगे जिसके अंदर IP14 और -24 वोल्ट। इसमें क्या है, सिर्फ यहाँ से हम रिले को पावर देते हैं। वो वायरिंग कैसे है वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में समझाता हूँ। इसके अंदर से हम इनपुट पावर लेते हैं। जब भी गेट आपका कट ऑफ होगा तब यहाँ से इनपुट पावर उसको मिला और यहाँ से पावर को कट ऑफ करते हैं। ये NC में होगा, समझना, यहाँ से पावर ट्रैवल हो ही रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। कब तक होगा, जब तक यहाँ से लिमिट स्विच कट नहीं होगी तब तक। यहाँ से लिमिट स्विच कट हो गई तो ये NC है वो NO हो जाएगा, मतलब यहाँ से पावर रुक जाएगा और ये NC NO था वो NC हो जाएगा, तो वो पावर यहाँ से यहाँ ट्रैवल होने लगेगा। अब आपको वो भी डाउट होगा कि सर मैं ये वाली वायर यहाँ पे लगा सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर आ रही है वो अलग है, यहाँ पे जो पावर आ रही है वो अलग है। ओपन की लिमिट स्विच के अंदर ऐसे वायरिंग होता है। अभी क्लोज की लिमिट स्विच का फेरुल नंबर देखते हैं। अब क्लोज की लिमिट स्विच है उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि IP15 और +24, ये जब आपकी गेट क्लोज होगा तब ये PLC को कमांड देगा कि भैया यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहे। जब भी आपकी लिमिट स्विच कट ऑफ होगी तो वो पावर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर चला जाएगा और वो PLC को डायरेक्ट कमांड देगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, सिर्फ फेरुल नंबर चेंज हो रहा है, वायरिंग सेम ही है। यहाँ पर 055 और 056 नंबर की वायर है जिससे हम पावर कट ऑफ करते हैं। वैसे ये 2019 से पहले मैंने आगे वाली स्लाइड में समझाया। और ये आपका क्लोज वाली लिमिट स्विच का 2019 के बाद जितने भी प्लांट है उसमें सिर्फ 2 ही वायर लगती है, वो जनरली NO में ही लगानी होती है, उसको NC में नहीं लगा सकते। बराबर, लिमिट स्विच का वायरिंग कैसे होता है वो समझ लिया। अब क्या करना है आगे वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट स्विच का वायरिंग कैसे होता है वो समझ गए। अब जब भी आपके पैनल के अंदर कोई भी गेट, चाहे ओपन का हो या क्लोज का हो, वो अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो लिमिट स्विच का वायरिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और 10 10 साल वाले जो जितने भी पुराने ऑपरेटर हैं उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिमिट स्विच का प्रॉब्लम मेरे से नहीं होगा, ऐसा ही बोलता है। जब भी होता है सब लिमिट स्विच के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। बराबर, पर ये
जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना उसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये प्रॉब्लम मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा से ज्यादा। पर उसकी एक मेथड है, उसका स्टेप बाय स्टेप है, उसमें से आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आगे पावर नहीं जाएगा। तो जो भी स्टेप है वो आप लिख लो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बराबर, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके प्लांट के अंदर चाहे ओपन का सिग्नल हो या क्लोज का सिग्नल हो, कोई भी आपका गेट ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2019 से पहले वाली पैनल में ऐसा वायरिंग होगा। उसमें क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 052 और 053 नंबर की वायर है, वो मैंने आपको आगे लिमिट स्विच में समझाया कि वो पावर की वायर है जो लिमिट स्विच के अंदर से पावर को कट ऑफ करती है। बराबर, तो ऐसे लिंक लगाने पे वो लिमिट स्विच बाईपास हो गई, समझना। ये 052 और 053 नंबर की वायर है, वो ये लिंक लगाने से वो पूरी बाईपास हो गई। ओके, मतलब अभी क्या होगा, आपकी लिमिट स्विच पूरी ओपन हो सकती है, उसमें आपकी लाइट जो ओपन वाली लाइट है वो आपकी चालू की चालू रहेगी। बराबर, ये पावर की वायर है, मैंने आपको समझाया ना आगे वाली स्लाइड में। ओके, वैसे ही ये 055 और 056 नंबर की वायर है, वो क्लोज की लिमिट स्विच की वायर है, उसके अंदर यहाँ से हमने उसको लिंक मार दी तो वो पावर उसको कंटिन्यूअसली मिलने लगेगा। तो अभी ये हमने क्या किया, लिमिट स्विच को पहले बाईपास कर दिया। लिमिट स्विच को बाईपास क्यों करना होता है, क्योंकि जब तक आप लिमिट स्विच को बाईपास नहीं करोगे तो मेरी पैनल में आगे पावर नहीं आएगी, तो हमको पता नहीं चलेगा कि लिमिट स्विच का प्रॉब्लम है या तो फिर पैनल का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले लिमिट स्विच का प्रॉब्लम हो तो हमको पैनल पहले क्लियर करनी है कि पैनल की साइड से कोई वायरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई एलिमेंट खराब हो गया, कोई रिले खराब हो गया, फ्यूज खराब हो गया, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले ये लिंक लगानी है, जब भी लिमिट स्विच का प्रॉब्लम हो तो किसी को फोन नहीं करना है, पहले 052 और 053 में लिंक लगा देनी है, 055 056 में लिंक लगा देनी है, ये ओपन वाली है, ये क्लोज वाली है। बराबर, उसको याद रखना। उसके बाद 2019 के बाद वाले जो भी प्लांट है उसके अंदर ऐसी रिले आ गई है। बराबर, उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ से 053 और 056 नंबर को यहाँ से ही हमने लूप कर दिया है, तो आप जो यहाँ पे लिंक लगा रहे हो ना वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी है। बराबर, तो 2019 के बाद वाले जितने भी प्लांट है उसके अंदर ये वाले वायर नहीं होगी, 2019 से पहले वाले प्लांट के अंदर ये वाली वायर होगी, तो आपको पहले इसको लिंक लगा देना है। ओके, पहला स्टेप क्या करना है, इसको लिंक लगा के शॉर्ट कर देना है। ओके, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेट को मैनुअल में कर देना है। जैसे ही आप गेट को मैनुअल में करोगे तो गेट ओपन और गेट क्लोज के पुश बटन में लाइट आनी चाहिए, जो आगे वाली स्क्रीन में हम देखेंगे। देखो, जैसे आपने गेट को यहाँ पे मैनुअल में कर दिया तो आपका पुश बटन है ओपन वाला, उसके अंदर लाइट आएगी, लाइट मतलब एलईडी ऑन हो जाएगी। ओके, और क्लोज वाले में क्लोज वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ओके, अब आपने गेट को मैनुअल में कर दिया और यहाँ पे आपका ओपन की पुश बटन में लाइट आ रही है पर क्लोज में नहीं आ रही है। बराबर, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो उसको कैसे चेक करते हैं वो आगे वाली स्लाइड में समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैनल का डोर ओपन कर देना है। जैसे ही आप पैनल का डोर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ओपन वाली जो पुश बटन है, आपका जो ओपन वाला पुश बटन है उसके पीछे की साइड आपको एक एनो एलिमेंट लगा हुआ मिलेगा, वैसे ही जो क्लोज वाला पुश बटन है उसमें भी एक एनो वाला एलिमेंट लगा हुआ मिलेगा। बराबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है, अभी ओपन वाले के अंदर तो पावर आ रहा था, मतलब ये तो बरोबर वर्किंग कर रहा है, सिर्फ मुझे क्लोज में दिक्कत है। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे की साइड आप देखो, नीचे की साइड यहाँ पर +24 भी हो सकता है, -24 भी हो सकता है, वो वायरिंग के ऊपर डिपेंडेबल है। हमारे जो पुरानी वाली पैनल थी उसके अंदर +24 से वायरिंग करते थे, अभी जो नए वाली है उसके अंदर -24 से वायरिंग करते हैं, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं है। बराबर, यहाँ पर जो भी वायर दिया हुआ है उसके सामने की साइड आपको मल्टीमीटर को डीसी के ऊपर सेट करना है, मल्टीमीटर को डीसी पावर, क्योंकि ये 24 वोल्ट डीसी है, डीसी के ऊपर सेट करना है, और एक प्रोब आपको यहाँ पे टच करना है और दूसरा मल्टीमीटर का प्रोब आपको यहाँ पर, अगर माइनस यहाँ पर अगर -24 वोल्ट दिया है तो दूसरा प्रोब है उसको आपको
+24 में कहीं पे भी टच करना है पैनल में, एसएमपीएस में से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे तो 24 वोल्ट आनी चाहिए। यहाँ पर अगर 24 वोल्ट आ रही है, उसके बाद आप एलिमेंट को प्रेस करोगे तो ये 24 वोल्ट एनओ के थ्रू, जब भी पुश बटन प्रेस होगा तो ये वाला एनओ पावर यहाँ पर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो एनओ था। एनओ मतलब यहाँ से पावर यहाँ नहीं जा रही है, वो कब जाएगी? जब एनसी होगा। एनसी होगा तो ये पावर यहाँ पर गई। ओके, तो जब भी आप पुश बटन प्रेस करोगे तो ये पावर यहाँ से निकल के यहाँ पर चली जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर तो मेरी पावर सही आ रही है, पर यहाँ पर मेरी पावर सही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने चेक किया, यहाँ पर तो मेरा 24 वोल्ट DC सही दिखा रहा था, पर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो क्या करना है आप, बराबर ये एलिमेंट को आपको चेंज करना है। जैसे ही एलिमेंट चेंज करोगे तो आपका गेट की लाइट ऑन हो जाएगी, बराबर। उसके बाद अगर आपने चेक किया कि सर मेरी ये दोनों एलिमेंट चालू है, बराबर, फिर भी मेरे गेट ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है समझना, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जो भी डाउट है लिख लो, एक 20 मिनट का टाइम मिलेगा इसके अंदर। पर लिमिट स्विच का प्रॉब्लम कोई भी साइड पे आप खुद सॉल्व करने चाहिए। लिया कि यहाँ पे 24 वोल्ट आ रही है और वो पावर जब पुश बटन दबाने पर यहाँ पर भी आ रही है, फिर आगे का स्टेप क्या करना है वो समझते हैं। देखिए, जब ये गेट ऑटो मैनुअल का एक्चुएटर है, उसके पीछे की साइड दो एलिमेंट लगे हुए होते हैं, दो एनओ और दो एनसी, बराबर। पुश बटन से 24 वोल्ट निकल रही है और उसके बाद आगे की साइड फिर भी आपका गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है? सबसे पहले वो 24 वोल्ट निकला तो यहाँ पर जो 0052 नंबर का वायर है या फिर 0056 नंबर का वायर है, उसके अंदर वो 24 वोल्ट यहाँ तक आनी चाहिए। समझना, ओपन का पुश बटन सही काम कर रहा है पर क्लोज में दिक्कत हो रही थी। फिर क्लोज का हमने एलिमेंट चेक करिया, उसके एलिमेंट भी सही है। उसके बाद हम आ गए ऑटो मैनुअल के एक्चुएटर के पीछे की साइड। जब आप डोर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दो एलिमेंट लगे हुए मिलेंगे, चाहे नया प्लांट हो पुराना प्लांट हो, सब में दो ही एलिमेंट लगे हुए मिलेंगे। उसमें से जो एनओ वाला एलिमेंट है ना, वो आपका मैनुअल पावर को कट ऑफ करता है, और एनसी वाला जो एलिमेंट है, ये एनसी वाला एलिमेंट है, वो ऑटो वाले पावर को कट ऑफ करना है। कभी भी दोनों पावर मिक्स नहीं करना है। अभी हम पहले सबसे पहले मैनुअल को क्लियर करेंगे, उसके बाद ऑटो में जाएंगे। ओके, अभी क्या होगा, वहां से पावर मिल रही है, ये 0052 नंबर की वायर है वो ओपन वाली है, और 0055 नंबर की वायर की है वो क्लोज वाली। अभी क्या हुआ, वहां से जो ये वाली स्क्रीन से अपने को 0055 नंबर का पावर जो निकला वो हमको यहाँ पे मिल गया। ओके, अब यहाँ से नीचे की साइड भी 24 वोल्ट मिलना चाहिए। समझना, अब यहाँ पर 24 वोल्ट मिल रहा है, पर जब आपके एक्चुएटर को मैनुअल की साइड घुमाओगे तो ये एनओ है वो एनसी हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये पावर इसको यहाँ से यहाँ पर मिलनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पर आपका 24 वोल्ट आ गया, जब आपने जो क्लोज वाला पुश बटन है उसको प्रेस किया तो यहाँ पर पावर आ गया। उसके बाद आपने गेट को मैनुअल में किया तो ये एनओ है उसका एनसी हो गया। ओके, तो वो पावर यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर 24 वोल्ट नहीं मिल रही है, जब क्लोज का पुश बटन दबाने पे यहाँ पे 24 वोल्ट मिलनी चाहिए। क्लोज का पुश बटन दबाओगे और गेट को मैनुअल करोगे तभी यहाँ पे 24 वोल्ट मिलेगी। अगर ऊपर की साइड 24 वोल्ट मिल रही है और नीचे की साइड नहीं मिल रही है तो ये एलिमेंट खराब है। देखना पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस करोगे तो पागल हो जाओगे, बराबर। क्या क्या किया हमने पहले, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये लिंक लगा दी, बराबर। लिंक लगाओगे तो लिमिट स्विच बाईपास हो गई। उसके बाद गेट को मैनुअल में किया, गेट को मैनुअल में करने के बाद दोनों गेट को बारी बारी करके ऑपरेट किया, दोनों में लाइट आनी चाहिए। अगर किसी एक में लाइट नहीं आ रही है तो क्या करोगे, उसके पीछे की साइड एलिमेंट में जाओगे। एलिमेंट में जाने के बाद नीचे की साइड जो पावर आ रहा है उसमें 24 वोल्ट चेक करोगे, उसके बाद वो जो पुश बटन को प्रेस करने पर वही पावर ऊपर की साइड आना चाहिए। अगर ऊपर की साइड पावर नहीं आ रहा है तो ये एलिमेंट को चेंज करना है। ओके, अगर ऊपर की साइड पावर आ रहा है फिर भी ऑपरेट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, गेट ऑटो मैनुअल का एक्चुएटर है उसके पीछे की साइड जो एनओ एलिमेंट है उसमें पावर चेक करना है। यहाँ तक पावर आएगी, पुश बटन प्रेस करने पर यहाँ तक पावर आएगी, और वो पावर जब मैनुअल करोगे तो यहाँ पे भी आनी चाहिए। अगर यहाँ पे पावर नहीं आ रही है तो इसको चेंज करना है, ये खराब हो सकता है। ओके, अब आगे जाते हैं। अब
जब आपने ये एलिमेंट में भी पावर, आपने ये जो एलिमेंट है उसको आपने चेंज कर दिया, अब ऊपर नीचे दोनों साइड पावर आ रही है बराबर, फिर भी गेट चालू नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जब आप ओपन का बटन दबाओगे ना, तो रिले कार्ड लगा हुआ होगा पैनल के अंदर, उसमें ये ग्रीन वाली लाइट एलईडी आपकी ऑन होगी बरोबर। ये पूरा वायरिंग देखना, कभी भी आप देखोगे तो गेट का पूरा वायरिंग 24 वोल्ट पे ही होता है, बाकी जितने भी कॉन्टेक्टर है वो 230 वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, पर गेट का वायरिंग 24 वोल्ट से हम करते हैं पूरी पैनल में, पुरानी हो या नहीं हो कोई भी हो, उसमें यहाँ के साइड आपको पावर आ गया 24 वोल्ट आ गया ओके, फिर भी आपके गेट ओपन या क्लोज नहीं हो रही है, तो उसके नीचे की साइड देखना, एक फ्यूज, आपका जो फ्यूज है उसके साइड एक रेड एलईडी लाइट चालू है, अगर ये रेड एलईडी लाइट चालू है ना, तो उसका मतलब ये है कि ये जो फ्यूज है ना वो जल गया है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये एलईडी चालू है मतलब रिले में प्रॉब्लम है, मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, ये सब गलत बात है, ये एलईडी चालू है उसका सिंपली एक है कि आपका फ्यूज फॉल्टी है। जब भी आप ऑटो में कोई भी प्लांट चला रहे हो उसके अंदर अगर ये रेड वाली लाइट इंडिकेट हो, काफी सारी रेड वाली लाइट हो देखो यहाँ पर सर, कोई भी एलईडी इंडिकेट हो उसका मतलब कि फ्यूज खराब हो गया है, फ्यूज आपका ब्लो हो जाएगा तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो क्या करना है, ऊपर से आपने जैसे ही क्लोज का बटन दबाया तो यहाँ पे एक एलईडी ऑन होगी, उसके साथ ये वाली भी एलईडी ऑन हो रही है, तो ये फ्यूज चेंज करना है ओके। पैनल वायरिंग के अंदर हमने यहाँ तक आ गए, वो आपको फ्यूज कैसे चेंज करना है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, दूसरी वाली स्क्रीन पेज में देख सकते हो आप कैसे चेंज करना है इसको। 2 एम्पियर का फ्यूज डालना है उसके अंदर, 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं डाल सकते ओके। अब ये आपने पूरा वायरिंग हो गया बराबर, अभी आपके क्लोज में लाइट नहीं आ रही थी वो आने लगेगी। अब क्या करना है आपको सिंपली, कि जो आपका ऊपर की साइड से आप क्लोज का बटन दबाओगे ना, तो ये वाला जो वायर है ना वो क्लोज के वाल का है, हाइड्रोलिक वाल है, उसके अंदर ये ओपन का वायर है और ये क्लोज का वायर है, तो आपको क्या करना है, क्लोज के वायर के अंदर आपको यहाँ पे 230 वोल्ट दिखाई देगी। अब आप बोल रहे थे कि सर आप तो अभी 24 वोल्ट बोल रहे थे, 230 वोल्ट कहाँ से आ गए? देखो समझाता हूँ उसमें क्या थोड़ा थोड़ा हुआ यहाँ पे। रिवर्स लीजिएगा मोहक भाई। अब मैं समझाता हूँ, 24 वोल्ट हमने ऊपर की साइड दी, मैंने आपको समझाया था रिले कार्ड का क्या काम है, यहाँ पे 24 वोल्ट उसको मिला तो ये रिले चालू हो गई, पर यहाँ पे मोहक भाई आप थोड़ा रिवर्स लीजिएगा। और कितना भाई बोल। ये वाला नहीं, इससे पहले जो बता रहे थे रिले ना, रिले वो वाला, रिले रिले वाला वाला, रिले कार्ड वाला, बस स्क्रीनशॉट लेना, बस बस बस। बस फिर से समझाऊँ ये? नहीं, हो बराबर गया हो बराबर गया। बराबर। ओके, अभी अपना माइक म्यूट कर दीजिए बराबर। अभी आप देखो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पे 230 वोल्ट आनी चाहिए, अभी आप बोल रहे थे साहब आपने बोला लिमिट स्विच तो अपने 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, तो यहाँ पर देखो काम हो रहा है क्या, रिले कार्ड का वर्किंग क्या है, यहाँ पे हमने जो भी कॉमन में पावर दिया होगा, हमने कॉमन में क्या दिया है, सीपी, सीपी मतलब करंट फेज, करंट फेज हमने कौन सा दिया, 230 वोल्ट, तो क्या होगा जब ये रिले ऑपरेट होगी ना, तो ये 230 वोल्ट एनओ का एनसीओ के इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, A1 में, समझे? तो ये रिले जब चालू होती है ना, तो यहाँ से तो 230 वोल्ट ही आउटपुट निकलता है, पर इनपुट में 24 वोल्ट मिलता है उसको, क्योंकि इसको 24 वोल्ट क्यों देना होता है, क्योंकि ये जो रिले लगी हुई है ना जितनी भी, वो सब 24 वोल्ट DC से ऑपरेट होगी, इसमें AC दोगे तो ये ऑपरेट नहीं हो सकता, समझे? तो यहाँ पर हमने सीपी कॉमन में पावर दे दिया, उसके बाद यहाँ पर वो पावर आ गया, तो वो पावर जाएगा आगे कहाँ पे, यहाँ तक पावर आ जाएगा। अब अपनी पैनल का वायरिंग हो गया, इंटरलॉकिंग था जो भी था, स्टेप वाइज हमने कराया, पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ तक पावर आनी चाहिए, जब भी आप क्लोज का बटन दबाओगे तो यहाँ पे 230 वोल्ट आएगी 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 ओके, जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे 0.35 और 0 OV उसके अंदर ओपन वाली पावर आएगी, और 0.49 और OV के अंदर क्लोज वाली पावर आएगी ओके। अभी पैनल हमने पूरी क्लियर कर दी, पैनल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पैनल से दोनों जगह से पावर निकल रही है, फिर भी आपका गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? हर बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैनल की ही प्रॉब्लम है,
कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर मेरी कॉइल में दिक्कत है, वाल में दिक्कत है, बीच में वायर में दिक्कत है, वॉट एवर जो भी हो सकता है. ओके तो अब क्या चेक करना है वो देखेंगे. पहले जब भी लिमिट स्विच का प्रॉब्लम हो कोई भी प्लांट के अंदर, तो पहले पैनल को क्लियर करना होता है. जब तक पैनल क्लियर ना होगी तब तक आगे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर पावर मेरा ड्रॉप हो रहा है, किसकी वजह से पावर मेरा रुक रहा है, समझे. तो अभी इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पावर आ गया मतलब ये पावर डायरेक्ट जंक्शन बॉक्स में जाएगी, जंक्शन बॉक्स के थ्रू वाल में जाएगी. अब क्या करना है, जब भी देखो नीचे की साइड यहाँ पर हमने पावर दे दी, यहाँ पर पावर आ रही है और ये दोनों वायर मिक्सर की जंक्शन बॉक्स तक जाएगी, जंक्शन बॉक्स के थ्रू कॉइल में जाएगी, बराबर. पर इन केस आप जब ओपन का बटन प्रेस करते हो और यहाँ पर जो ऊपर की साइड दिख रही है आपको कॉइल के ऊपर की कैप, बराबर, उसके अंदर 230 वोल्ट नहीं आ रही है, बराबर. तो क्या करना, पैनल से तो मेरी 230 वोल्ट निकल रही है, पैनल से मेरी 230 वोल्ट निकल रही है, पर यहाँ पर नहीं आ रही है, बराबर. तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पैनल से लेके जंक्शन बॉक्स तक जो भी वायर लगी हुई है उसको पहले कंटिन्यूटी या उसका पावर चेक करेंगे. कई बार क्या होता है पुराने प्लांट के अंदर बीच में जो वायर होती है वो भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है, समझे. इसके लिए ऊपर तक पावर नहीं जाएगी, पहले आपको क्या करना है, पैनल वाला पावर है उसको यहाँ तक जो ऊपर की साइड कॉइल दी है, ये जो ऊपर की कैप है उसको आपको सिंपली यहाँ से बोल्ट खोल के निकाल देना है, और ये और ये इसके अंदर 230 वोल्ट आनी चाहिए. जब तक 230 वोल्ट नहीं आएगी तो ये वाल्व ऑपरेट नहीं करेगा. ओके, पैनल से 230 वोल्ट निकली, वो 230 वोल्ट यहाँ तक आनी चाहिए. अगर यहाँ तक 230 वोल्ट नहीं आ रही है तो बीच में वायर में दिक्कत हो सकती है. अगर सपोज यहाँ पर 230 वोल्ट मिल गई, चलो मिल गई यहाँ पर 230 वोल्ट, फिर भी मेरी कॉइल काम नहीं कर रही है, तो वो कॉइल को कैसे चेक करेगी वो समझते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, कैप के साथ कॉइल को बाहर निकाल देना है, कैप के साथ कॉइल को बाहर निकाल देना है. फिर जो भी, जैसे ये वाली कॉइल है वो ओपन की है, ऐसी यहाँ पर क्लोज की कॉइल लगी हुई होगी, ये ओपन की है ये क्लोज की है. ओके, तो कॉइल के साथ उसको बाहर निकाल देना है, समझना, सिर्फ कैप के साथ उसको बाहर निकालना है, कॉइल और कैप दोनों साथ निकलनी चाहिए. इन शॉर्ट यहाँ पर 230 वोल्ट अपना मिल गया. उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली टेस्टर का जो मेटल वाला पार्ट है, टेस्टर का जो मेटल वाला पार्ट उसको ऐसे कॉइल के अंदर सेट करना है. देख सकते हो उसके अंदर देख सकते हो कैसे मैंने सेट किया हुआ है, कैसे सेट करोगे. फिर आप जब ओपन का पुश बटन प्रेस करोगे तो ये टेस्टर वाइब्रेट होना चाहिए, ये टेस्टर पूरा वाइब्रेट होगा. वाइब्रेट होगा मतलब ये कॉइल अपनी चालू है, समझ गए. यहां तक पावर आ रही है, देखो पहले यहां तक पावर आई तो मतलब ये कॉइल, इसका क्या काम है, ये कॉइल को, ये कैप को, ये कॉइल को पावर देने का काम है सिर्फ, बराबर. तो ये पावर यहाँ पर जा रही है, पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, टेस्टर वाइब्रेट होनी चाहिए, बराबर. तो जब जब भी ये आपकी कॉइल वाइब्रेट नहीं हो रही है, जैसे आपने ओपन का बटन दबाया तो यहाँ पे ओपन का बटन दबाने पे ये एलईडी की लाइट चालू हो जाएगी. कई कई प्लांट में पुराने में एलईडी लाइट ऑन नहीं होती है, बराबर. तो ये एलईडी की लाइट ऑन हो जाएगी तो वो वाली कॉइल में ये टेस्टर वाइब्रेट होना चाहिए. अगर वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो फिर ये कॉइल खराब है, क्योंकि पावर यहाँ पर आ रहा है तो वो पावर यहाँ पर जाना ही चाहिए, उसमें बीच में कोई इंटरलॉकिंग नहीं होता है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए. ओके चलो, अभी हमने ऐसे ओपन वाली कॉइल हमने चेक कर ली, वो सही है, पर क्लोज वाली कॉइल में दिक्कत दे रही है. जैसे यहाँ पर पावर आ गया पर वो पावर यहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पा रहा और टेस्टर वाइब्रेट नहीं हो रहा, तो वो कॉइल को चेंज करना है. कॉइल को चेंज करोगे तो गेट ओपन क्लोज हो जाएगा, ये कॉइल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है या प्रॉब्लम ही है. ओके, और अब कई बार देखो पुराने वाले जो प्लांट है ना उसके अंदर समझा था, उसके अंदर क्या था, जैसे ये कॉइल है ना वो 230 वोल्ट पे चलती थी, 230 वोल्ट एसी पावर दिया, तो ये कॉइल भी 230 वोल्ट की आती थी पहले वाले प्लांट में. अभी क्या हो रहा है, अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है 198 वोल्ट डीसी,
ओके इसके अंदर देख लो, डीसी पावर दिख रहा है, तो ऊपर की साइड से एसी आया तो यहाँ डीसी कैसे हो गया, वो कैप का कमाल है। वो कैप क्या कर रही है, 230 वोल्ट को 198 डीसी में कन्वर्ट कर रही है, बरोबर। वो नए वाले प्लांट में आ रहा है, अभी 2018 के बाद वाले जितने भी प्लांट है उसके अंदर ऐसी कॉइल आपको देखने को मिलेगी। या तो आपके प्लांट के अंदर कभी भी कोई दिक्कत हुआ और आपने हाइड्रोलिक वाल पूरा नया ले लिया तो आपको नया वाला वाल मिलेगा, उसके अंदर इनपुट पावर तो 230 वोल्ट ही है पर उसको कन्वर्ट करके 198 वोल्ट डीसी देता है, समझ गए। तो आपके पास अगर कोई वाल पड़ा हो तो उसकी कॉइल चेक करना जरूरी है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकती है या नहीं, समझे। चलो अभी हमने चेक कर दिया कि कॉइल भी सही है दोनों की, चलो ओपन क्लोज दोनों की कॉइल सही है, फिर भी मेरा गेट ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो कॉइल के अलावा ये हाइड्रोलिक वाल है इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको चेंज कर देना। इसको चेंज करोगे तो आपका गेट ऑपरेट हो जाएगा। ओके अब पूरा अपना गेट का वायरिंग पूरा ऊपर तक पावर चला गया, हाइड्रोलिक के अंदर से पूरी दोनों गेट अपना ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। ओके अभी हमको क्या चेक करना है, सिंपली सबसे पहले तो आपको ये लिंक थी उसको निकाल के जो वायर लगे हुए थी पहले वो लगा देनी है। देखो जैसे ओपन वाली है और ये क्लोज वाली है, बरोबर। तो जो भी वायर लगी हुई थी पहले उसको पहले लगा देना है, बराबर। उसके बाद लिमिट स्विच सेट होगी, क्योंकि जब तक ये वायर नहीं लगाओगे तब तक पावर कट ऑफ नहीं होगा, बराबर। ये हमने क्यों लगाया था, पूरा वायरिंग पहले चेक करने के लिए। जब तक ये लिंक नहीं लगाओगे तो पूरे वायरिंग में डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि लिमिट स्विच जब कट ऑफ होगी तो आगे पावर नहीं आएगा, तो पता कैसे चलेगा कि पैनल का प्रॉब्लम है या लिमिट स्विच से पावर नहीं आ रहा है। इसके लिए हम पहले इसको लिंक लगा देते हैं, समझे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा वायरिंग हो जाए उसके बाद 052 और 053 नंबर की वायर के अंदर आपको लिंक निकाल के जो भी वायर लगा हुआ था वो लगा देना है। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी पुश बटन प्रेस करना है। जैसे ओपन का पुश बटन प्रेस करोगे, फिर मिक्सर के साइड जो भी लिमिट स्विच है उसके ऊपर आपको बारी बारी करके कट करना है। ऐसा कोई फिक्स लॉजिक नहीं है कि ऊपर वाली लिमिट स्विच ओपन की होगी और नीचे वाली क्लोज की होगी, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बराबर। जिसने जैसा वायरिंग किया वैसे होता है, पर पर्टिकुलर जिसके भी लिए काम करते लिमिट स्विच उसका पहले आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, समझ गए। जैसे आपने ओपन का बटन दबाया तो ओपन की लाइट कंटिन्यूअसली ऑन रहेगी जब तक लिमिट स्विच कट ऑफ नहीं करोगे तब तक, समझ गए। जैसे ओपन का बटन दबाया, पैनल में ओपन की लाइट आ रही है, किसी को ऊपर भेज देना है, बोलना है बारी बारी करके दोनों में से एक एक लिमिट स्विच कट कर। जो भी लिमिट स्विच कट करेगा उसमें आपकी लाइट बंद हो तो वो लिमिट स्विच ओपन की है, चाहे ऊपर की भी हो सकती है नीचे की भी हो सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ओके वैसे ही आपको क्लोज का बटन दबाना है और लिमिट स्विच को बारी बारी करके कट करना है और देखना है कि कौन सी लिमिट स्विच कट की है। ये कब होगा, जब आपने 052 और 053 नंबर की वायरिंग कर दी होगी, पहले जो लिंक लगाई थी वो निकाल के कर दी होगी, तभी ये वर्किंग करेगा, वो भी समझ लेना, बराबर। उसके बाद आपने आपको पता चल गया कि मेरी ऊपर वाली लिमिट स्विच ओपन की है, नीचे वाले लिमिट स्विच क्लोज की है, वो आपको पता चल गया। ओके फिर आपको क्या करना है, ये इनपुट वाले पेज में आके आपको देखना है कि हाँ भाई ऊपर वाले लिमिट स्विच दबाने पे मेरा ओपन का सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ओपन का सिग्नल है, लिखा है ओपन LS, ओके। और वैसे ही ये अपने क्लोज का सिग्नल है। अब ये सिग्नल मैंने आपको बताया ना, IP14 और +24 जब तक शॉर्ट नहीं होगा तब तक इसको इनपुट सिग्नल नहीं मिलेगा, वो इनपुट सिग्नल ये है। ओके कई सारे ऑपरेटर को दिक्कत होती है कि सर मेरा जब गेट ओपन होता है तो मुझे क्लोज का सिग्नल मिल रहा है और क्लोज होता है तो ओपन का सिग्नल मिल रहा है। तो सिंपली क्या करना है, IP14 और IP15 वायर को इंटरचेंज करना है, तो आपका ओपन में ओपन और क्लोज में क्लोज का सिग्नल मिल जाएगा। ओके वो सिग्नल आप यहाँ से देख सकते हो, बी एंडर वाली स्क्रीन के अंदर IPOP के अंदर आता है। ओके उसके बाद
हमने लिमिट स्विच सेट कर दी। लिमिट स्विच सेट करने के बाद लिमिट स्विच की वायरिंग कैसे होती है वो समझते हैं। सबसे पहले जो 2020 से पहले वाली प्लांट थी, हाँ बोलिए बोलिए सर। आप भैया आपको टाइम है ना दिया जाएगा, इसके अंदर मैं 20 मिनट टाइम दूंगा क्योंकि पता है मुझे जो वायरिंग है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली है, तो दिया जाएगा टाइम प्लीज। हाँ अभी मैं कंटिन्यू कर दूं जी सर। अभी बात सुनो, जो सिग्नल हमने चेक कर लिया, कई बार ऐसा होता है कि ओपन की जगह पे क्लोज मिल रहा है, क्लोज की जगह पे ओपन मिल रहा है, तो सिंपली ये IP14 और IP15 के वायर को, जैसे ये वायर है बराबर और ये दूसरी वायर ये है, इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इसको निकाल के इधर देना है और इसको निकाल के इधर देना है, बस ऐसा करोगे तो ओपन में ओपन और क्लोज में क्लोज का सिग्नल मिल जाएगा। ओके, अब कई बार क्या होता है, जैसे चलो सिग्नल तो सही मिल गया पर मैं पैनल में से जब ओपन का बटन दबाता हूँ ना तो मेरा गेट क्लोज हो रहा है और क्लोज दबाता हूँ तो ओपन हो रहा है, तो क्या करना है, सिंपली ये 035 नंबर का वायर है ना वो ओपन का है और ये अपना क्लोज का है, समझ लेने 035 ओपन का और 049 क्लोज का है, तो आप जब ओपन का बटन दबाते हो ना तो गेट क्लोज हो रहा है, तो क्या करना है 035 नंबर को निकाल के 049 में लगाना है और 049 को निकाल के 35 में लगाना है, तो क्या होगा ओपन में ओपन होगा क्लोज में क्लोज होगा। अगर यहाँ से आपको चेंज नहीं करना है तो पावर पैक के साथ ऊपर की साइड जो कॉइल लगी हुई हुई है उसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब लेफ्ट को निकाल के राइट में लगाना है, राइट को निकाल के लेफ्ट में लगाना है, बात एक ही है। ओके, यहाँ से करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। अब ये बात हुई मैनुअल की, अब ऑटो के अंदर चलो, मैनुअल में तो हमने सेट कर लिया कि भैया ओपन में ओपन हो रहा है क्लोज में क्लोज हो रहा है, पर ऑटो के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, ऑटो में जब पीएलसी उसको बोल रही है कि मुझे गेट ओपन करना है तो क्लोज हो रहा है और क्लोज करना है तो ओपन हो रहा है, तो सिंपली क्या करना है, ये IP14 है ना वो क्लोज का आउटपुट है और IP13 है वो ओपन का आउटपुट है, तो क्या करना है ये वायर को निकाल के इसमें डालना है और इसको निकाल के इसमें डालना है, बस सिंपली इंटरचेंज ही करना है, पूरा वायरिंग जैसा था वैसा का वैसा रहना चाहिए, सिर्फ ये आउटपुट वाली वायर है उसको चेंज करना है। ओके, इसके अंदर इतना वायरिंग आप कर दोगे तो गेट में कभी कोई भी दिक्कत है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, जो बोल रहे ना मुझसे नहीं होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना वायरिंग है, ये पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो, पर सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, लिमिट स्विच का वायरिंग बहुत हार्ड है, हार्ड कोई चीज है ही नहीं, जब तक आपको कोई चीज नहीं आएगी ना तब तक वो हार्ड है, जैसे मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी चलाना मेरे लिए हार्ड है, पर जिसको गाड़ी चलानी आती है वो बोलता है गाड़ी में क्या है, सेम है भाई, जब तक आपको कोई भी लॉजिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक बार लॉजिक क्लियर होगा ना तो पूरा प्लान भी चला लोगे, प्लांट क्या चीज है। ओके, तो ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया है, अब जिसको भी कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो रेज हैंड बटन का जो बटन है वो प्रेस करिए, मैं आपको पूरा